हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज। तो फ्रेंड, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक्सरसाइज कब करते हैं। तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करती हूँ। पहले अपना सारा घर का काम निपटा के और उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो बस यहाँ पे आज मैं फ्रेंड बता रही हूँ कि हम जो अपना बैली फैट होता है या बड़ा हुआ पेट, उसको कैसे कम करें। तो ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास कमेंट आया था कि आप प्लीज़ उसके लिए वीडियो बनाइए। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, आपको 10-10 के स्टेप ये करने हैं। और जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो उसमें आपको 10-10 के स्टेप करने हैं, डेली ही करने हैं। और 100% बेनिफिट होता है फ्रेंड, क्योंकि मेरा भी बेली फैट काफ़ी बड़ा हुआ था, तो उससे ही मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है और मैंने यही एक्सरसाइज करी है। और बहुत ही सिंपल सी मेरी एक्सरसाइज है। और ब्रेस्ट वगैरह के लिए भी फ्रेंड ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो मैं बता रही हूँ। हाथों को, दोनों को ऐसे करना है। और जो हमारे ये कंधे होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट एक्सरसाइज है। जैसे हमारे कंधों में भी दर्द होने लगता है तो उसके लिए है। और एक सर्वाइकल पेन के लिए मैंने बताई है, ये गर्दन को ऐसे घुमाना है दोनों तरफ। तो बस फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज हो गई थी और यहाँ मैं आ गई थी अपना सौंफ वाला पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड सौंफ वाला पानी मैं 1 वीक में एक बार ले लेती हूँ, क्योंकि इससे फ्रेंड मतलब जो हमारी खाना वगैरह होता है उसे डाइजेस्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपना नहा धो के आ गई हूँ। काम वगैरह सब मेरा फिनिश हो चुका है, तो उसके बाद मैं ले रही हूँ बस यहाँ पे सौंफ वाला पानी। तो रात को मैंने भिगो के रख दी थी सौंफ, और अभी मैं मतलब बस लूँगी थोड़ा सा। और मैंने इसको हल्का गर्म किया है, तो आप चाहे नॉर्मल भी ले सकते हैं बस छान करके, बट मैं हल्का गुनगुना ले रही हूँ। तो इसको सिप सिप करके मैं पी लूँगी। और मेरे बच्चों ने जो स्ट्रॉ से मैं पीती हूँ वो पता नहीं इधर उधर कर दिए हैं, मैं 2-3 लेके आई थी, बट बच्चों का ऐसे ही रहता है। तो चलिए मैं अभी ऐसे ही पी लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी ले आई हूँ ड्रिंक सौंफ वाली, तो चलिए इसको पीते हैं। और आज तक स्ट्रॉ नहीं है, बच्चे मेरे इधर उधर कर देते हैं। तो काफ़ी नए नए कपड़े मैं वेयर कर रही हूँ, मतलब ये तो वैसे मेरे ओल्ड है। और ये वाला सूट जनवरी में मेरी फ्रेंड है वो लेके आई थी मुंबई से, और मैंने ब्लॉग में डाला भी था। तो उस टाइम ये मुझे बिल्कुल फिट आ रहा था बिल्कुल, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी देख के कि उन्होंने बस मुझे वीडियो में ही देखा था, और वो भी एटलीस्ट बोल रही थी कि पता नहीं कैसे बिल्कुल फिट सूट आया है। बट उनको ये हो रहा था कि कहीं बाद में धुल के टाइट ना हो जाए, बट ये टाइट होने की बजाय और ज़्यादा ढीला हो गया है पहले से। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और ये कमर और हिप से तो चलो फ्रॉक वाला है, बट ये कमर से काफ़ी लूज़ हो गया है मुझे पहले से। तो चलिए मैं ज़्यादा बात ना करके पहले पी लेती हूँ अपनी सौंफ वाली ड्रिंक। तो यहाँ फ्रेंड उसके बाद बस मैं पी रही थी अपना सौंफ वाला पानी, और पेट और बदहजमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बस उसके बाद मैं बना रही थी अपना वेजिटेबल चीला, और साथ में आज फ्रेंड बच्चों के लिए भी बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी आज घर पे ही थे, वो गए नहीं थे आज स्कूल। तो बस यहाँ पे मैं हेल्दी सा यम्मी सा अपना चीला बना लूँगी वेजिटेबल वाला, और साथ में बच्चों के लिए भी। तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है चीला, हस्बैंड तो बहुत ही कम खाते हैं बाई चांस कभी, बट मेरे बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ देखिए मेरा कितना अच्छा चीला बन के हुआ है रेडी, और बहुत ही इजी और यम्मी सी रेसिपी है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड मैं 32 बार के फॉर्मूले के साथ यहाँ पर खा रही हूँ, और मैंने लिया दही यहाँ पर। तो अभी फ्रेंड्स किचन वगैरह क्लीन कर दिया है मैंने, और खाना वगैरह सब बना के रख दिया है। तो खाने में आज मैंने दाल चावल बनाए थे और अपने लिए रोटी बनाई है। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है अभी तो, बट मैंने बना के रख दी है। तो आज काली मसूर की दाल और चावल बनाए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कहना चाह रही थी कि कहते हैं कि चावल से भी वेट बढ़ता है, तो मैं चावल बहुत ही कम लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे चावल वगैरह बहुत ही कम पसंद है। मैं चावल नहीं लेती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ चावल को। और अगर बाई चांस आप चावल खाते हो तो जो उबाल के चावल होते हैं जिनकी मांड होती है वो निकल जाती है, तो उन चावलों से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही उनसे हमारा वेट बढ़ता है। तो आप वो चावल खा सकते हैं, या फिर ब्राउन राइस आते हैं आप वो खा सकते हैं। तो मैं तो एटलीस्ट चावल अगर खाती हूँ तो बाई चांस ही थोड़े 1-2 चम्मच ही लेती हूँ, नहीं मैं बहुत कम चावल लेती हूँ। और वैसे भी मेरा वेट है जो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि मेरा वेट अभी 70 से 49 kg हो गया है, और अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो एटलीस्ट मेरे पास वेट की मशीन नहीं है, और जैसे भी पॉसिबल होगा तो देखते हैं अगर मंगा पाई तो।
नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी या जब भी मेरा जाना होगा तो मैं वेट अपना चेक करूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी खुद देखना है कि मेरा वेट कितना मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि सूट तो फ्रेंड काफ़ी मेरे लूज़ हो रहे हैं, बट मैं देखना चाहती हूँ सच में ही, और आपको भी दिखाना चाहती हूँ साथ साथ कि सच में ही 32 बार का फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कपड़े वगैरह से तो फ्रेंड मुझे 100% लगता है कि काम कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट ये वाला सूट भी मेरे को बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। हाँ लूज़ कह रही, बिल्कुल फिट आ रहा था जब मेरी फ्रेंड ये लेके आई थी, तो मैं मतलब कि इसको कम ही वेयर करती थी, मुझे बहुत ही पसंद है बहुत ज़्यादा। और सच में कहते हैं ना कि कोई अगर मन से या दिल से कोई चीज़ लाता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो देखिए उस टाइम ये मुझे बिल्कुल फिट आ रहा था, यहाँ से बिल्कुल फिट था, और अब देखिए कितना लूज़ हो चुका है मुझे कमर से। और जो मेरी फ्रेंड है वो भी बोल रही थी कि पता नहीं आगे आएगा या नहीं, क्योंकि बिल्कुल फिट आया, बट मैं तो बहुत खुश थी कि सच में बिल्कुल फिट आया है, ये इतने प्यार से वो मेरे लिए लेके आई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये कुर्ता, बहुत ही ज़्यादा लेती हूँ, तो बच्चों के साथ और हस्बैंड को भी देखना, घर पूरा संभालना और अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना, इतना सब मैं देखो कैसे करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो एटलीस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर एक दिन नहीं होगा तो एक दिन ज़रूर होगा, आप ये मत सोचो कि हमने 10 दिन कर लिया, 15 दिन करा और यार अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। बेकार नहीं है फ्रेंड, आप ट्राई करके देखो, कम से कम 2 महीने तो करो, अगर आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में फ़र्क नहीं लगता ना तब आप बताना, सच में 101% आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा हो गया लंच रेडी, तो आज लंच में मैंने बनाई है काली मसूर की दाल और सैलेड्स, 2 चपाती और चावल भी बनाया फ्रेंड, बट मैं चावल नहीं खाती हूँ, खाती हूँ तो बाय चांस थोड़े बहुत ले लेती हूँ टेस्ट के लिए, बट मैं चावल नहीं खाती। और उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई थी अपना लंच करने के लिए, तो हस्बैंड बच्चों ने लंच कर लिया था और मैं बस अपना के लिए आज लंच कर रही थी। और उसके बाद फ्रेंड घर पे कोई मिलने के लिए आ गया था, क्योंकि माही को डॉगी ने काटा था तो इसलिए बच्चे से मिलने आ गए थे, और अच्छा नहीं लगता फिर फ्रेंड मैं फ़ोन में लगी रहती, तो मैं डायरेक्ट आपसे मिली फिर डिनर टाइम में, और फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो इसलिए मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए थे अपने, टी शर्ट लोवर ही पहन लिए थे, अभी काफ़ी गर्मी एकदम से स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया था डिनर भी रेडी, तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा हो गया है खाना रेडी, तो आज मैंने बनाया है आलू की सब्ज़ी और सैलेड्स, 2 चपाती, तो आज का मेरा जो डिनर है वो यही है। तो चलिए करते हैं अपना डिनर एंजॉय 32 बार के फॉर्मूले के साथ, तो चलिए मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो बस फ्रेंड यहाँ पे बच्चे और मैं खाना खाने लग गए थे, और हस्बैंड नहीं आए थे, हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, तो फ्रेंड मैं इसलिए अपना तो जल्दी ही खाना खाना होता है, 7:30 बजे तक मैं अपना खाना खा लेती हूँ, और फिर बच्चों को भी स्कूल जाना होता है इसलिए जल्दी खाना खिला के उनको सुला देती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स टाइम हो चुका है शायद 11 बज चुके हैं, और अभी आए हैं मेरे हस्बैंड, तो मैंने उनको खाना वगैरह दिया था, और मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद, क्योंकि आज मैंने रेस्ट नहीं किया था दोपहर को, नहीं तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ डेली, बट आज फ्रेंड मतलब कोई आ गया था, तो जिस टाइम मैं नेल पेंट लगा रही थी तो उस टाइम कोई आ गया था, और फिर आपसे बात भी नहीं हो पाई, और फिर टाइम इतना हो गया, तो फिर मैं डायरेक्ट आपसे बस जब भी मिली लंच टाइम डिनर टाइम में ही, तो फ्रेंड मैंने लगाई थी वाली नेल पेंट, तो आज बहुत टाइम बाद मैंने नेल पेंट लगाई है, और अच्छा लगता है, कभी कभी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि नेल पेंट के बिना मुझे अपने हाथ तो एक बार को ठीक लगते हैं पर पैर वगैरह बहुत ही बुरे लगते हैं। तो फ्रेंड बस अभी मेरा पूरा खाना पीना सब कुछ फिनिश हो गया है, और बस वॉक वगैरह करी थी, और खाना खाने के आधे घंटे बाद फ्रेंड मैं पी लेती हूँ पानी, तो आप नॉर्मल पानी लें या फिर थोड़ा सा गुनगुना लें, तो गुनगुना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना लें। और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रख के ही आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 32 बार के फॉर्मूले से बेस्ट कोई अब तक फार्मूला मुझे नहीं लगा है, घर बैठे ही आप इसको आराम से और बिल्कुल एक पैसा खर्च किए बिना आप इसको आराम से वेट लॉस कर सकते हैं, बस आपको अपना थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, फ्रिज का पानी ना पिए, मटके का पानी पिए, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने मटका ले रखा है और मैं उसमें उसका ही पानी पीती हूँ, और जबकि मैं ही नहीं फ्रेंड मेरे हस्बैंड है वो इतना चिल्ड पानी पीते थे बिल्कुल ही गर्मी आते ही, और वो शुरू हो जाता है कि पानी की बोतल लगा दो फ्रिज में, पीहू की बहुत आवाज़ आ रही है, पीहू हमारे घर में ऐसा रहता है रात को 12-1 बजे तक भी, मतलब मैं एटलीस्ट 12-12:30 बजे ही सोती हूँ मैं,
हस्बैंड मेरे थोड़े लेट ही आते हैं, कई बार तो 10:30 बजे आ जाते हैं, कई बार 11, 11:30, 11:30, 12 भी बज जाते हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ा सोने में लेट हो जाता है। फिर मॉर्निंग का रूटीन आपको पता है, मुझे जल्दी उठना होता है, पर पीहू नहीं सोती है, बहुत लेट सोती है। माँ ही तो शायद सो गई है अभी। तो बस मैं एटलीस्ट यही कहना चाहूँगी फ्रेंड कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, तभी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। और बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, बस आपको छोटी छोटी बाइट लेनी है और आराम से अपना इसको 32 बार चबा के खाना है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब क्या बोलते हैं जापे वगैरह में होते हैं, तो मतलब जच्चा जो होती है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम जैसे खिचड़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं मूंग की, तो उसमें रोटी मतलब चूर के दे देते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो अगर हम एक रोटी भी उसमें चूर के ऐसे खाते हैं फ्रेंड, तो बहुत जल्दी उससे पेट भर जाता है और बॉडी में बहुत अच्छे से वो लगती भी है, बहुत ही हेल्दी डाइट होती है। तो आप उसकी वैसे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पेट नहीं भरे, क्योंकि मेरा तो बहुत जल्दी पेट भर जाता है। मैं छोटी छोटी बाइट लेती हूँ और उसको आराम से 32 बार के फॉर्मूले से चबा के खाती हूँ, तो बहुत जल्दी उससे पेट भर जाता है। तो आज की वीडियो फ्रेंड मेरी ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही तेज़, 11:30, 11:15 हो चुके हैं। बस हस्बैंड खाना खा ले तो मैं भी उसके बाद लेटूंगी और थोड़े से बर्तन वॉश करूंगी फिर। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं और मन करता है आपके लिए अच्छी अच्छी सी और वीडियो बनाने का फ्रेंड। तो चलिए, आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड।